आम चुनाव में साल 2014 जैसा इतिहास दोहराने के लिए मोदी सरकार क्या कुछ नहीं कर रही। कहीं पीएम मोदी परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं तो कहीं उनके मंत्री नए प्रोजेक्ट की नींव रख रहे हैं ताकि केंद्र जनता के बीच ये बता सके कि इस सरकार में काम बोलता है। लेकिन मोदी सरकार की इस रणनीति ने देश को करोड़ों का नुकसान पहुँचाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से अपनी सरकार की नीतियों का ढोल पीटते हैं, खास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र को लेकर कि सरकार इस क्षेत्र में विकास की दिशा में कई कदम बढ़ा रही है। लेकिन अब एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें खुलासा हुआ है कि देश में बड़ी संख्या में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अधर में लटके हुए हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान पहुंचा है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट इनरॉक और भारत के एसोसिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री की रिपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट अ फल्क्रम फॉर चेंज एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में कहा गया है कि देश में चल रहे 1420 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से 369 प्रोजेक्ट देरी से चल रहे हैं, जबकि 366 अन्य प्रोजेक्ट अपने समय से काफी पीछे चल रहे हैं। इस वजह से इनकी लागत में करीब $33 अरब की बढ़ोतरी की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर सरकार अर्थव्यवस्था में तेजी लाना चाहती है तो उसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की तरफ ध्यान देना होगा। भारत को साल 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को पाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट के विकास दर को बढ़ाना होगा, जो कि अभी कुल अर्थव्यवस्था का 29.5% है। साथ ही इसमें सरकार को आगाह किया गया है कि अगर सरकार इस क्षेत्र को लेकर यूं ही उदासीन बनी रही तो ये क्षेत्र अपनी चमक खो देगा, जिससे अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।